तो गाइस पोकेमोन की एक और ऑसम वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक पोकेमोन कंपनी ने सरीना को पोकेमोन जर्नी में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया और सरीना हम लोग को पोकेमोन जर्नीज में कभी देखने को मिलेगी कि नहीं। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है पोकेमोन फैंस के लिए, तो यार वीडियो को ज़रूर से एंड तक वॉच करना। आज की ये वाली वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया आया ज़रूर से यार सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल में बेल शेप के आइकन को भी दबा देना। और दूसरी बात, ये वाली वीडियो को लाइक कर देना, लाइक के मैंने 17 लाइक्स का रखा है। तो चलो यार अब आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं सरीना लास्ट बार कैलोस रीजन में दिखी थी और वो मूवमेंट तो आप लोगों को याद ही होगा जब ऐश ने सरीना को गुड बाय कहा था कैलोस रीजन के एंड में और ऐश को सरीना ने वहाँ किस भी किया था। फिर उसके बाद हम लोग को सरीना पोकेमोन सीरीज में अभी तक नहीं दिखी और पोकेमोन फैंस ये होप लेके बैठे हैं कि सरीना और ऐश का उन लोगों को कोई रिलेशनशिप देखने को मिलेगा नए पोकेमोन एपिसोड्स में। लेकिन पोकेमोन कंपनी अभी तक सरीना की एक झलक तक भी नहीं दिखाई है। कैलोस के बाद ऐश के बहुत पुराने कंपेनियंस हम लोग को कमबैक करते हुए दिखाए गए हैं, जैसे मिस्टी, ब्रॉक और यहाँ तक ट्रेसी को भी एक स्पेशल एपिसोड में हम लोग को दिखाया जा चुका है और सिन्हो रीजन के कुछ एपिसोड्स में हम लोग को मैं भी देखने को मिली थी। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि हम लोग जानते हैं कि पोकेमोन जर्नीज में आयरिस भी आ चुकी है, लेकिन पोकेमोन कंपनी ने हाल ही के कुछ सीजन्स में सरीना को जरा सा भी याद नहीं किया है। अब ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो यार अभी हाल ही में CBR.com ने एक आर्टिकल निकाला है सरीना रिटर्न से रिलेटेड। उस आर्टिकल में उन्होंने एक तगड़ा रीजन दिया है कि पोकेमोन कंपनी सरीना को क्यों नहीं ला रही है पोकेमोन की न्यू एपिसोड्स में। देखो यार आप लोग में से बहुत लोग ये जानते होंगे कि ऐश और सरीना बहुत पहले के दोस्त, यानी यार सरीना और ऐश बचपन से एक दोनों को जानते हैं। अब पोकेमोन कंपनी ने सरीना और ऐश का अभी तक एक रोमांटिक रिलेशनशिप हम लोग को दिखाया है और पोकेमोन कंपनी ये नहीं चाहती कि बच्चों पर इस रिलेशनशिप का गलत असर पड़े, क्योंकि यार मेजोरिटी पोकेमोन ऑडियंस टीनेजर होती हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं। पोकेमोन कंपनी अभी सरीना को इसलिए नेगलेक्ट कर रही है क्योंकि यार सरीना ने ऐश को किस किया है यार, मतलब एक रिलेशनशिप बन चुका है। ऐश मतलब पहली बार किसी से एक रिलेशनशिप बनाया, अब और नहीं चाहती पोकेमोन कंपनी की इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं क्योंकि यार और वैसे सीन्स लाने पड़ेंगे और इससे बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है। इसलिए पोकेमोन कंपनी सरीना को अभी नए एपिसोड्स में कमबैक नहीं करा रही है और यार पोकेमोन जर्नीज में सरीना के आने का चांस बहुत ज़्यादा इसी वजह से घट जाता है। हाँ हो सकता है कि पोकेमोन कंपनी एक स्पेशल एपिसोड में सरीना को दिखा दे, लेकिन यार अगर हम लोग पास्ट देखें तो यार हम लोग को कभी भी सरीना को किसी स्पेशल एपिसोड में नहीं दिखाया गया है, इसलिए यार बहुत ही ज़्यादा चांस कम है कि सरीना पोकेमोन जर्नीज में आ सकती है। और यार वैसे भी पोकेमोन सीरीज एक एडवेंचरस सीरीज है और वो लोग ये नहीं चाहते कि इसमें लव रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें आएँ। अब यार पोकेमोन फैंस वेट ही कर सकते हैं सरीना को देखने के लिए, शायद हो सकता है पोकेमोन कंपनी कुछ नए अगले सीजन में शायद लाने का सोचे। आज की वीडियो का पोके क्विज ये है, इस पोकेमोन का नाम कमेंट सेक्शन में बताओ और अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो यार ज़रूर से लाइक कर देना, लाइक के मैंने 17 लाइक्स का रखा है। और जो भी चैनल पे नया आया है ज़रूर से सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल शेप का आइकन आ रहा होगा उसको क्लिक कर देना और पोके क्विज का आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलना। तो यार मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।